नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। करते हैं सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ। जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। महामहिम द्रौपदी मुर्मू को दी गई 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी। तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर की कमान स्थगित करेगा भारत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, तीनों सेनाओं के बीच बढ़ेगा समन्वय। 31 जुलाई तक होगी देश भर में वायुसेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू। रोडवेज बसों में शुरू हुआ कैशलेस सफर, परिचालकों को दी गई एंड्रॉइड ई टिकट मशीन। और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक चौकी में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने मारी खुद को गोली, गोली लगने से हुई मौत। देश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस तो वहीं 41 की हुई मौत, पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट 16.8% दर्ज। वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, कप्तान के साथ खिलाड़ियों ने की खूब मस्ती। एमएनएस नेता का उद्धव ठाकरे को सीधा निशाना, लिखा था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दो बसों की भीषण टक्कर, 8 यात्रियों की हुई मौत तो वहीं कई हुए घायल, सीएम योगी ने जताया शोक। सलमान खान के बाद कैटरीना विकी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत।